हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। एंड नाउ इस सेशन में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है। वो सीबीएसई, सीएचएसई, आईसीएसई, दिल्ली बोर्ड, ऑलमोस्ट हर स्टेट बोर्ड में, हर एक सिलेबस में क्लास 11 का चैप्टर है, ठीक है। हमने इसके पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी देखा था, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर सपोज हमने कोई मास, कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है कहीं पर भी जिसका एक मास है, तो ये मास जो है ना, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक टाइप का इन्फ्लुएंस एक बनाता है, ठीक है, अपने चारों तरफ का स्पेस को मॉडिफाई करता है, जिसको हम बोलते हैं वो फील्ड क्रिएट कर रहा है। इस फील्ड को मेजर करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और एक जो तरीका है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, राइट। ऑलरेडी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज जस्ट वन ऑफ द वे टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट। ओके, अगर इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये है कि अगर मान लो ये सोर्स मास है, ये जो एम जो है ये सोर्स मास है, मतलब जिसके वजह से ये फील्ड बना है और हम इस फील्ड को मेजर करना चाहते हैं। सपोज हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हम मेजर करना चाहते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड हियर। तो अगर हम एक यूनिट मास को अगर हम इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे लेके आए और उसके लिए अगर हमें कुछ वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, तो W बाय एम नॉट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग वन यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा, अभी हम इसी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट मास, ठीक है। हमें पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा उसके लिए हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट मतलब सोर्स, ये जो सोर्स मास है वो अगर हम लोग का सॉलिड स्फीयर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये हॉलो स्फीयर है तो कितना होगा, डिस्क है तो कितना होगा, रिंग है तो कितना होगा, दैट वी विल सी। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है, इट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल का कुछ प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ेगा, देर इज नो नीड टू मेंशन, इनफैक्ट देर इज नो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जो फील्ड इंटेंसिटी था ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, एज अ कन्वेंशन हम इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल को जीरो लेते हैं। हम जो सोर्स मास है ना, सोर्स मास से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लें तो वहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, बाकी कहीं पर भी हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको मैं भी जी से डिनोट करता हूं, ये हमेशा नेगेटिव होगा। जीरो कहाँ होगा? एकदम इनफाइनाइट में। सपोज ये सोर्स मास है, ठीक है, एकदम इनफाइनाइट में, पूरा मतलब एक्सट्रीमली फार अवे यू विल हैव ग्रेविटेशनल फील्ड एज जीरो। आप बाकी कहीं पर भी अगर अगर बाकी कोई भी पॉइंट ले लो
तो वो इसका फील्ड के अंदर में आ जाएगा, तो अब ये हर एक चीज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव एवरीवेयर एल्स। और इसका यूनिट क्या होगा, तो जैसा कि हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय मास, दैट मीन्स जूल पर केजी। बहुत बार पूछा जाता है इसका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जूल का कितना होता है एम एल टी एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई मास, तो ये डायमेंशन हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नाउ हम सबसे पहले देखेंगे एक पॉइंट मास के लिए जो पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट वो कैसे निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट हाउ टू प्रूव वी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। सपोज अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है कि नहीं, तो मान लो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मास है ये अपना फील्ड तो हर तरफ बना रहा है, पूरा हर तरफ बना रहा है, तो हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एज पर डेफिनेशन हम क्या करेंगे, एज पर डेफिनेशन हम एक छोटा सा मास को मतलब यूनिट मास को आप इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाओगे, इसके लिए जितना वर्क डन होगा डिवाइड बाय एम नॉट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो सपोज कि जब हम ला रहे थे तो एक पर्टिकुलर किसी भी एक डिस्टेंस में यहां पे देखो, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो, मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक मोमेंट पे यहाँ पे रखा, ये जो एम नॉट है ना, हम इसको ला रहे थे इधर की तरफ, तो हमने किसी भी एक मोमेंट पे मान लो एक्स डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, इस एम नॉट को हमने यहाँ पे रखा है, ये एम तो सोर्स मास है, ये यूनिट मास है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रखा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक। अब हम अगर थोड़ा सा भी इधर अगर डी एक्स से अगर इसको मूव कराना चाहें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कितना होगा, एफ डी एक्स। अब एफ के बदले क्या लिख सकते हैं, एफ के बदले देखो ये जो कैपिटल एम है और यहाँ पे जो एम नॉट था इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, है ना, न्यूटन्स लॉ। ओके, सो हम इसको पुट करेंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे डी एक्स, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये एम नॉट डी एक्स। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो, ये एक्स कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, इन्फिनिटी से आर तक आ रहा है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा, इन्फिनिटी से आर तक। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इंटेग्रेट करेंगे जीरो से डब्ल्यू एंड इसको इंटेग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से आर। तो ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जी एम एम नॉट एंड ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटेग्रेट करो इन्फिनिटी से आर, तो ये वाला हम लोग का आ जाएगा जी कैपिटल एम एम नॉट, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस वन बाई एक्स, तो इसको इन्फिनिटी कर दो, इसको आर कर दो, तो ये वाला हम लोग का आया डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट बाई आर, ये आया वर्क डन, इतना वर्क डन हमें करना पड़ा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने के लिए, इस एम नॉट को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एम नॉट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर।
यह याद रखना, दिस इज द प्रूफ, यही हमने अभी निकाला, यही हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो एक कोई सोर्स मास के लिए, एक कोई सोर्स मास के लिए, सोर्स मास मतलब ये इसका डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन है ना सोर्स मास, इसका डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू आर। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट मास होना चाहिए। तो एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज गिवन बाय माइनस जी एम बाई आर। इसको याद रखना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, और अब मान लो अगर बहुत सारे अगर अगर मासेस रहे, तो मान लो कि m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे सपोज कहीं पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू ऑल दिस मासेस। तो आप इंडिविजुअली सबका आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। तो ये r1, ये r2, ये r3, ये r4। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू वन प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू टू प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थ्री प्लस फोर। इस तरह के हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एडिशन होगा, क्या होगा? एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है। अब भी के बदले आप ये फॉर्मूला लगाओगे माइनस जी एम बाई आर, तो इसको आप कर सकते हो। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। नाउ हम ये तो हम लोग का डिस्क्रीट सिस्टम हो गया, मतलब अलग अलग जगह पे जो पार्टिकल्स थे उनकी वजह से हो गया। अगर कोई रिजिड बॉडी रहे तो क्या हो, तो उसके लिए क्या करके देखते हैं। पहला ध्यान से देखो, अभी हम क्या करेंगे, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो ये हो गया हम लोग का रिंग, दिस इज द रिंग, ठीक है। इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसका एक्सिस ले लिए, किसी भी एक कोई एक पॉइंट पी ले लो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, इसका मास एम ले लेते हैं, इस रिंग का मास एम है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय माइनस जी एम बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली आप ये वाला निकाल रहे हो, वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई ये आर, ये वाला डिस्टेंस हम कर रहे हैं। तो ये आर क्या होगा, व्हाट इज दिस आर, दिस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी को हमने यहाँ पे पुट किया। अच्छा, एट द सेंटर अगर हम बात करें कि सेंटर में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो एक्स के बदले जीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल अगर हम लें जिसमें कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस, तो उसके लिए हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, लेट अस लुक इनटू दैट। तो ये हो गया हम लोग का सपोज स्फेरिकल सरफेस, नहीं अच्छा वाला लेते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक स्फेरिकल सेल है, ओके स्फेरिकल सेल चाहिए, राइट। तो स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग एक काम करेंगे, स्फेरिकल सेल बनाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्फेरिकल सेल, मतलब भीतर में कुछ नहीं है, ठीक है, भीतर में कुछ नहीं है, तो ये स्फेरिकल सेल है। तो देखो इसका रेडियस ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो हम आर लेते हैं, ऑब्वियसली ये एवरेज ले रहे हैं, ये हम थिन ले रहे हैं, दिस इज थिन सेल, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेडियस, एंड जितना सारा मास है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना सारा मास है
वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो पूरा मास है एम, ठीक है, टोटल मास है एम। अब हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं पी, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। अब इसका बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा। तो देखो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जो पोटेंशियल होगा, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इसको सेंटर पे लाई करेगा तो पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन आर तो पोटेंशियल क्या होगा, फिर से सेम होगा माइनस जी एम बाय आर। इफ एक्स इज इक्वल टू आर होगा तो कितना होगा, वी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, ओके, मतलब सेम होगा। आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आप चले जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका सेम होगा। ओके, नाउ इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर देन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स, देन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय एक्स। ओके, सो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ इस तरह होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस एक्स। तो जब तक आप सरफेस पे हो या उसके भीतर हो, कहीं पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, एंड उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऐसे डिक्रीज होगा। अब देखो, मैंने इसी को नेगेटिव एक्सिस ले लिया है, ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव एक्सिस ले लिया है, तो ये कितना है, ये है जी एम बाय आर, इसका वैल्यू कितना होगा, जी एम बाय कैपिटल आर, एंड ये कितना होगा, ये होगा जी एम बाय स्मॉल एक्स। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। नाउ इफ यू लुक इनटू पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो हम एक सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखते हैं। एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, तो फिर से मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूं कुछ अच्छा कलर से, देखते हैं अच्छा कलर। ओके, दिस इज सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो इसका रेडियस है आर एंड मास इसमें टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है एम। अब किसी भी एक पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया, किसी भी एक पॉइंट पे हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो इसका भी बहुत सारा इसका कंडीशन होगा। तो पहले हम लेते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। ठीक है, देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है एक सॉलिड स्फीयर के लिए। एक्स इक्वल टू जीरो पे मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू जी एम बाय आर। ओके, एक्स इक्वल टू आर पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू आर पे दैट इज सरफेस पे, सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। एक्स लेस देन आर पे कितना होगा, ये आपको याद रखना है। देखो बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बट ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई टू आर थ्री माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ये आप थोड़ा याद रखना, इसको आप आराम से डिराइव कर सकते हो। इसको एक रिंग की तरह अगर लोगे ना, इसको एक रिंग की तरह लोगे, फिर ये इनफाइनाइट रिंग से बना हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये डिराइव हो सकता है आराम से। नाउ इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर तो इट विल एक्ट लाइक दैट स्फेरिकल सेल ओनली, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम बाई एक्स, राइट। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया VG, ये हो गया X, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। मतलब ये हो गया सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, ये हो गया सेंटर, सेंटर पे ज्यादा होगा, यहां पे आने के बाद इट विल बिहेव सेम एज दैट ऑफ दी योर स्फेरिकल सेल। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये होगा माइनस जी एम बाई आर, एंड ये कितना है, मतलब सेंटर पे, सेंटर पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा मिलेगा, तो ये होगा माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर।
तो याद रखना कि सेंटर पे एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, इसके बाद हम लोग और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बाय बाय।